वृंदावन में एक भक्त रहा करते थे, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे। जानते हो वो खाया क्या करते थे? संत लोग जहां बैठकर खाते थे तो संतों के खाने के बाद जो बच जाता था संतों की पत्तलों में, तो माधव दास जी सभी संतों की पत्तल उठाते थे, देखिए, और पत्तल उठाकर एक थाली रखते थे अपनी थाली, और वो पत्तल में जो भी दाना संतों के खाने के बाद बच जाता था, कोई संत तो पूरी पत्तल साफ कर लेते थे, पर किसी संत के पत्तल में थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा बच गया, तो किसी में थोड़ी सी साग का टुकड़ा, तो किसी में थोड़ा सा चावल बच गया, तो ये सारा प्रसाद वो रख लेते थे। और वो प्रसाद रख कर किसी ने कहा, बाबा जी आप ये संतों का जूठा क्यों खाते हैं? देखो, माधव दास जी ने कहा, ये संतों का जूठा नहीं है, ये संतों का प्रसाद है। अच्छा, जूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने दूध पिया और पी करके हमने आधी गिलास दूध पी करके आपसे ये कह दिया कि आप पी लो, तो वो जूठा दूध हो गया। पर हमने भोजन किया, गुरु जी ने भोजन किया और भोजन करके गुरु जी उठ गए, उनकी थाली पर जो बच गया वो जूठा नहीं है, वो गुरु जनों के खाने से, संत ब्राह्मणों के खाने से वो प्रसाद बन गया। जूठा वो है जो जानकर हम आपको खिलाएं। जूठा जूठा ना कभी खाना चाहिए ना कभी खिलाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जूठा खाने वाले को और जूठा खिलाने वाले को, दोनों को कुत्ता की योनि प्राप्त होती है। इन लोगों को कुत्ता बनना पड़ता है। तो ना अपना जूठा किसी को खिलाओ, ना तो किसी का जूठा खाओ। हाँ, कोई महापुरुष संत जन आए हैं, उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उनकी पत्तल पे जो रह गया, क्योंकि वो तो करके चले गए ना, वो तो कर लिया, अब जो बचा है वो प्रसाद है। महापुरुषों के द्वारा जो छोड़ा गया है वो प्रसाद है ना? बात समझ में आ गई ना? जूठा क्या है और प्रसाद क्या है, दोनों में अंतर है। तो माधव दास जी संतों का जो प्रसाद बचता था खाने के बाद, वो अन्न के कण समेट लेते थे, और वो माधव दास जी कहते थे, ये सब भक्त हैं, इन भक्तों का जूठन मैं खाऊंगा, इन भक्तों की प्रसादी मैं खाऊंगा, तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, मेरा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, माधव दास जी क्या करते, वो संतों का प्रसाद इकट्ठा करते और फिर अपने गोपाल जी के पास जाते, जहां उनके ठाकुर जी शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी, तो फिर उस प्रसाद में वो तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा, खुद तो खाएं, भगवान को भी वही खिला रहे। अब भाई, भक्त जो खाएगा वही तो खिलाएगा, अब भगवान को भी संतों का प्रसाद, वो बचा पत्तल का वो भोग लगा रहे हैं, खाओ आओ भोग लगाओ, बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भगवान को भोग लगा रहे हैं। जब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते, उनका नियम था यही करते, रोज संतों का प्रसाद लाते, भगवान को भोग लगाकर फिर खाते, फिर आनंद से भगवान की माला जपते, अधिक से अधिक वो कि माधव दास जी केवल भगवान का केवल केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, यही मंत्र का वो जाप करते थे, बस एक ही मंत्र, केवल नाम केवल नाम। एक दिन क्या हुआ कि माधव दास जी ने भोजन किया,
संतों का भोजन इकट्ठा किया, संतों ने भोजन किया और माधव दास जी ने इकट्ठा किया। और आज पता नहीं क्या हुआ कि माधव दास जी ने भगवान को भोग लगाया नहीं, और भोग नहीं लगाया, और वो आज भोग लगाना पता नहीं भगवान जाने भूल गए कि बात निकल गई। आज वो संतों का प्रसाद थाली पे रख के और एक कौर उठाकर प्रसाद मुंह पे, जैसे ही मुंह पे रखा माधव दास जी ने, उसी क्षण याद आया, राम राम मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। और जब ये बात याद आई तो जानते हो क्या हुआ, माधव दास जी रोने लगे। अब उनके मुंह में जो प्रसाद था, अब उस प्रसाद को यदि उगलते हैं तो वो संतों का प्रसाद है, उगल भी नहीं सकते, और यदि निगलते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो भगवान को भोग लगाए बिना हम खा कैसे सकते हैं। तो अब माधव दास जी की विडंबना ये है कि वो संतों का प्रसाद था सो उगल नहीं सकते थे, और भोग लगाया नहीं सो निगल नहीं सकते थे। अब वो प्रसाद उन्होंने जो खा लिया एक निवाला, वो मुंह पे ही रखा, मुंह पे रख करके अब बस वो रोते जा रहे हैं, हे प्रभु क्षमा कर दो, हे नाथ अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी मेरे जैसा। अब वो बोल भी, अब भाई मुंह पे भोजन हो तो बोले कैसे, तो वो मानसिक रूप से बोलने लगे, मन से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हे लाडरी, हे किशोरी जू, बड़ा अपराध हो गया है, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया है, बड़ा अपराध हो गया है, हे श्याम सुंदर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, मुझे मृत्यु दंड दे दो प्रभु, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया, मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए, हे प्रभु मैं पतित हूँ, हे नाथ मैं अभागा हूँ। अब वो रोते जा रहे हैं, एक कोने में जाकर बैठ गए और बस भगवान को याद कर रहे हैं, राधे कृष्ण प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर बड़ा अपराध हो गया, आपको भोग लगाए बिना मैंने कैसे ग्रहण कर लिया, रोने लगे रोने लगे। देखो एक भक्त बिना भोग लगाए भगवान को खा नहीं सकता, और खाए तो उसका प्रायश्चित करता, क्यों ये अपराध हो गया, कौन सा पाप किया जिस पाप का ये अपराध बन गया। माधव दास जी बड़े प्रेम से कोने पर बैठे हैं, रोते रोते पूरा दिन निकल गया, और कौर अभी मुंह में ही है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन आया, सारे संत भोजन करके रोज की तरह चले गए, पर आज माधव दास जी गए नहीं संतों का प्रसाद लेने, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना कैसे ग्रहण कर लिया। दूसरी रात और दूसरा दिन बीत गया, जब तीसरा दिन हुआ, माधव दास जी ने पानी नहीं पिया, मुंह पे उनके प्रसाद था और बस वो रो रहे थे। तब भगवान को भक्त की यह हालत देखी ना गई, भगवान आज स्वयं श्री कृष्ण आज प्रकट हो गए और कहा, माधव दास जी सुनो, देखो कौन आया है। माधव दास जी आंख बंद किए बैठे ना, वो यूं कह रहे हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, मेरे से अपराध हो गया। तब भगवान ने कहा, माधव दास जी आंख तो खोलो। जब आंख खोला तो भगवान श्री कृष्ण खड़े, दौड़ कर चरणों में गिर गए, पर जोर जोर से रोने लगे और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे। अब वो मुंह पे निवाला था सो बोल ना पाए, बोल रहे इशारों में बोल रहे हैं, भगवान बोले, माधव दास क्या कहना चाह रहे हो। माधव दास जी ये कह रहे थे कि प्रभु आप तो आ गए, लगता है हमारी किशोरी जी, हमारी जगत जननी, हमारी माँ, लगता है श्री राधा रानी नाराज हो गई, क्योंकि हमने अपनी माँ को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया। भगवान समझ गए, तुरंत भगवान ने राधा रानी का आवाहन किया, राधा आओ
और जब श्री राधा रानी आई, श्याम सुंदर आए, माधव दास जी को उठाया, कहा बेटा जो तुम्हारे मुंह में है वो हमने ग्रहण कर लिया, भोग लग गया, अब तुम खाओ, हम तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं, जब तुम खाओगे ना तब तो हम खाएंगे। तब माधव दास जी ने उसे अंदर किया और अंदर किया, भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान माधव दास जी से कहते हैं, वाह माधव, मैंने बहुत भक्त देखे पर तुम्हारे जैसा प्रेमी नहीं देखा। इतनी सी गलती की तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। माधव दास जी ने कहा, प्रभु गलती हुई है तो दंड तो मिलना चाहिए। मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको भोजन नहीं कराया प्रभु, बस इसका ही दंड मैं अपने आप को दे रहा था। चरणों में बार बार गिर के भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को चूमते हुए श्री माधव दास जी कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। प्रिय भक्तों, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, आप भी ये नियम बनाइए कि बिना भगवान को भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। आप ईश्वर के जितने करीब जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर भी आपके उतने करीब आएंगे। आप उनके लिए बढ़िए, वो आपके लिए बढ़ेंगे। आप उनकी तरफ जाओ तो सही, वो आपकी तरफ आने को तैयार है।